त्योहार को पूरा देश हर्षोल्लास के साथ मनाता है। क्या कोई जानता है कि इस त्योहार की कहां से शुरुआत हुई थी? यदि नहीं जानते तो हम आपको बताते हैं। इस त्योहार की शुरुआत बुंदेलखंड में झांसी जनपद में स्थित एरएच नगर से हुई थी और पूरे देश में मनाई जाने वाली होलिका दहन की पूजा भी यहीं होती है। इसके बाद देश भर में होली मनाई जाती है। पुराणों की माने तो एरएच नगर जो कभी राजा हिरण्यकश्यप की राजधानी हुआ करती थी, यहाँ पर होलिका भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठी थी, जिसमें प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ जबकि होलिका की आग में जलकर मौत हो गई थी। कहा जाता है कि तभी से होली के पर्व की शुरुआत हुई। बता दें कि झांसी मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर दूर एरएच कस्बा है। यह एरएच वही इलाका है जहाँ से होली के त्योहार की शुरुआत हुई थी। शास्त्रों और पुराणों के मुताबिक वर्तमान में झांसी जिले का एरएच कस्बा सतयुग में एरिकच के नाम से प्रसिद्ध था। यह एरिकच दैत्यराज हिरण्यकश्यप की राजधानी थी। बता दें कि हिरण्यकश्यप को ये वरदान प्राप्त था कि वो ना तो दिन में मरेगा ना ही रात में, ना तो उसे इंसान मार पाएगा ना ही जानवर। इसी वरदान को प्राप्त करने के बाद खुद को हिरण्यकश्यप अमर समझने लगा और निरंकुश हो गया। लेकिन इस राक्षस राज के घर प्रहलाद का जन्म हुआ। प्रहलाद भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। भक्त प्रहलाद की नारायण भक्ति से परेशान होकर हिरण्यकश्यप ने उसे मरवाने की कई कोशिश की, फिर भी प्रहलाद बच जाता था। आखिरकार हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को डकौली पर्वत से नीचे फेंकवा दिया। डकौली पर्वत और जिस स्थान पर प्रहलाद गिरा वो आज भी मौजूद है। इसका जिक्र श्रीमद् भगवत पुराण के 9वें स्कंद में है। वहीं झांसी गजेटर पेज 339 और 357 में मिलता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने प्रहलाद को मारने की ठानी। होलिका के पास एक ऐसी चुनरी थी जिसे पहनकर वो आग के बीच बैठ सकती थी, जिसे ओढ़कर आग का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। होलिका वही चुनरी ओढ़ प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ गई। लेकिन भगवान की माया का असर ये हुआ कि हवा चली और चुनरी होलिका के ऊपर से उड़कर प्रहलाद पर आ गई। इस तरह प्रहलाद फिर बच गया और होलिका जल गई। इसके तुरंत बाद विष्णु भगवान ने नरसिंह के रूप में अवतार लिया और गोधुली बेला यानी ना दिन ना रात में अपने नाखूनों से डकौली स्थित मंदिर की दहलीज पर हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। बता दें कि बुंदेलखंड नहीं बल्कि पूरे देश में होली के एक दिन पहले होलिका दहन की परंपरा चली आ रही है। एरएच में आज भी इस परंपरा को स्थानीय निवासी फाग और गानों के साथ हर्षोल्लास के साथ नगर में शोभा यात्रा निकालकर मनाते हैं। एरएच नगरी अति प्राचीन नगरी है, विश्व की पहली राजधानी के नाम से इसको जाना जाता है और होली जैसे अनूठे त्योहार का उद्गम इसी एरएच नगरी से हुआ है। पौराणिक मान्यता है कि हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दो भाई थे। 12 रूप रखकर भगवान विष्णु जी ने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को उससे मुक्त करा करके अपने केंद्र पर स्थापित किया। हिरण्यकश्यप को ये बात बड़ी खराब लगी कि हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु ने किया है, तो विष्णु जी से हिरण्यकश्यप बड़ा द्रोह मानने लगे। लेकिन भगवत कृपा से हिरण्याक्ष के यहाँ जो पुत्र हुए उन्हें हम सब त्रिभक्त प्रहलाद जी के नाम से जानते हैं, जो इसी एरच नगरी के बालक हैं और इस नगरी को भक्त प्रहलाद की जन्मस्थली के नाम से भी जाना जाता है।